राम राम जी, क्या हाल है सभी के। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हम नीचे आए हुए थे, नीचे क्या अभी तो हम जा ही रहे हैं, अभी तो आए हैं कॉलेज में और जाते हैं ऊपर। हमारी आज क्लासेस है, आज हमारे प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल है वो चेक होंगे। प्रैक्टिकल चेक, फाइल कंप्लीट, जो कल ड्रामा हुआ था इतना बड़ा वो दिखाना। कैसा इधर से तो ऊपर जाते हैं अपने दिनेश बाबू सर की, जो हमारे मेंटोर, उनकी फाइल वाइल देनी है कंप्लीट। तो बिना, खैर अभी एक एक्सपेरिमेंट रह रहा और कंप्लीट ना, पर फिर भी दे देंगे, दिखा देंगे, जैसे जितना चेक करना होगा कर लेंगे, नहीं कोई बात ही नहीं। कहा करे वो, व्हाट शुड आई डू इफ आई नॉट कंप्लीट माय वर्क। कोई बात नहीं सर, अपने ही है, अपने नहीं मतलब अपने मेंटोर, कोई दिक्कत ना आवे। इसके पीछे है वृंदा नॉलेज सेंटर, जिसकी मैं फोटो वीडियो दिखाता रहता हूँ। अब देखते हैं, MC लैब में जाते हैं अटेंडेंस लगाने, क्लास में जाते हैं अटेंडेंस लगाने, फिर करेंगे। अभी हम आ गए हैं अपने कैफे डिलेटे में, एरिया हमारा पूरा खाली पड़ा है। बीटेक वाले आ चुके हैं पर फिर भी नहीं आए, आए भी है पर यहाँ नहीं आए। कम बच्चे आ रहे हैं, अभी 16-17 तारीख से आएंगे, पोंगल के बाद ट्यूजडे से आने स्टार्ट होंगे, ट्यूजडे की छुट्टी है ना हमारी। तो गाइस, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लास्ट के दो तीन लोग आए हैं बहुत छोटे हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं मिला, और हमारे जो प्रैक्टिस मतलब असाइनमेंट वगैरह के चक्कर में इसलिए ज़्यादा बना नहीं पाया मैं, तो ये वजह, कोई और वजह नहीं है। और कुछ एक दो दिन पहले तबीयत भी ख़राब थी इसलिए नहीं बना पाया, समझ रहे हो ना। बस यही बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट ही करते रहें, मैं और कुछ नहीं कह रहा। सब्सक्राइब को मना है तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का, सब चीज़ का लिंक है, आप जाओ फॉलो करो, स्टोरी देखो, वहाँ पे डेली अपडेट आते रहते। पर मैं इंस्टाग्राम पर अपने ब्लॉग नहीं डालता, सबको बता दूँ, सबको पता भी है, कुछ बहुतों को पता भी है कि इंस्टाग्राम पर मैं ब्लॉग नहीं डालता, मैं ब्लॉग डालता हूँ यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम पर कुछ फैमिली भी है, मतलब फैमिली कुछ नहीं है, फैमिली है हमारी, जो घर परिवार के रिश्तेदार हैं जो इंस्टाग्राम पे है, उनको फॉलोइंग में है, फॉलोवर हैं, तो फिर उन्हें मैं नहीं बताना चाहता। आप सबको पता है मैं नहीं बताना चाहता किसी को कि मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है। मैं इसको एज अ कुछ वो नहीं कर रहा कि मुझे फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस मैं इस चीज़ को ऐसे अपलोड कर रहा हूँ, ये सोच मेरी थिंकिंग ये है कि मैं ये जो ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ ये मेरी मेमोरीज कलेक्ट हो रही है ऑनलाइन, बाद में हमारे ग्रुप का जो हमारे दोस्त है कॉलेज के, हम इसे देख सके, हमारे पास बाद में एक्सेस हो कि हमने क्या क्या करा था, क्या क्या सीख था और कैसे था, और बाद में मुझे भी पता चले कि मैं कैसे एडिटिंग करता था, तो इसलिए है ये सब चीज़ें। हाँ, तो ये इसलिए है ये सब चीज़ें, तो कुछ वो नहीं है, मेरा कोई इरादे नहीं है कि करोड़ों में फॉलोअर हो, ये हो, वो हो जाएंगे तो अच्छी बात है, आप सबका साथ प्यार बना रहा तो ये भी होंगे, ज़रूर होंगे, एक दिन ज़रूर होएगा। अब मैं 1K होने पे केक कटेगा, 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एंड सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। आप सबको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं भी पता, कि जो खैर छोड़ो, क्या ही बताऊँ मैं कुछ लोगों से ये रिव्यू लेना चाहता, मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ऑनलाइन प्रसाद का खादी क्लोथ्स करके एक वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट साइड में डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, शॉट उससे जो प्रसाद आ रहा है वो ऑर्डर कर लिया या नहीं करा। केशव से पूछो, केशव जो ऑनलाइन रील पे खादी प्रसाद का आता रहता है कि ऑनलाइन प्रसाद वो कर लिया तुम दोनों ने, क्यों अबे क्या है वेबसाइट, उसमें प्रसाद मिलता है वहाँ से, अयोध्या का जो 22 तारीख 22 जनवरी को तो हमारे घर तो आता है प्रसाद, प्रसाद आई डोंट नो कि उसमें बूंदी या लड्डू क्या है, पर प्रसाद लिखा था भाई, प्रसाद का ही सुना मैंने तो, उसमें है। अगर अगर तेरे आसपास कहीं नियर में है तो तुझे खुद जाके ले लीजिए, मतलब वो सेंटर बताइए, और दूसरा है कि ऑनलाइन डोर मतलब घर पे ही डिलीवरी होएगा, 50-51 रुपये उसका बोलेगा चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, तब तुम देख लेना कि मैं तो ऑर्डर मतलब वो अपनी वो कर दिया पर मैंने पेमेंट नहीं करी। अगर ऑनलाइन करेगा तो 51 रुपये लगेंगे, अगर तो कैश ऑन डिलीवरी करेगा तो 100 रुपये लगेंगे। हाँ तो आप भी कर देना, बता रहा हूँ, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है,
जय श्री राम सभी को, सभी भाई को जय श्री राम। सपोर्ट बनाते रहें, हमें पूरा विश्वास है राम आएंगे। विश्वास क्या, राम जी आएंगे। दिवाली मनानी है गाइस 22 जनवरी को, 22 जनवरी डेट याद कर लो, दिवाली मनानी है सबको बहुत धूम धड़ाके से। बेस्ट दिवाली एवर इन दी वर्ल्ड, सुन रहे हो गाइस, बेस्ट दिवाली एवर इन दी वर्ल्ड इस बार की होनी चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। हम भी दिवाली मनाएंगे, मैं वीडियो डालूंगा, फोटो वोटो सब डालूंगा, आप भी साथ दो। और एक और बात और बताना चाहता हूँ, जो हमारा गाजियाबाद है ना, जो हमारे ये जो एरिया है दिल्ली वैशाली का, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद नोएडा के पास वाला, इसका नाम अब चेंज हो चुका है, चेंज होने वाला है। हमारे पीएम योगी जी के पास 3-4 नाम गए हैं गाजियाबाद के, मतलब गाजियाबाद के नए नाम। एक सेकंड में भी बता देता हूँ, आ गया भाई, मैंने कल परसों ही देखा था कि गाजियाबाद का नाम चेंज हो गया, कुछ और धरा जा रहा है। हाँ एक सेकंड में दिखा रहा हूँ, ये पोस्ट है आरवीजेसी मीडिया का, गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर सेट 3 नेम्स विल बी सेंड टू यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ वो विल टेक अ फाइनल कॉल। मतलब उनके पास 3 नाम भेजे गए हैं, उनमें से जो आदित्यनाथ योगी जी को अच्छा लगेगा वो उसको चुन लेंगे, फिर गाजियाबाद से हो जाएगा। 3 नाम है, मैं बताता हूँ क्या क्या है। पहला है हरनंदी नगर, दूसरा है गजप्रस्था, और तीसरा है दुधेश्वर नाथ नगर। अच्छे नाम है तीनों, पर आई सजेस्ट कि गजप्रस्था हरनंदी नगर आई सजेस्ट कि ये वाला नाम चूज करें, हरनंदी नगर, ये मुझे अच्छा लगता है मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे नहीं पता क्या है, पर हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये नाम रखो तो अच्छा लगेगा। और देखते कैसा रहता आज का सिस्टम, आज का ब्लॉग बड्डा बनेगा, 15-20 मिनट का तो हो ही जाएगा, तो अच्छे से देखना। दो भेजी है मैंने, देखी थी सुबह मैंने, लेकिन मैंने प्ले नहीं करी, बस रिएक्ट। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, कुछ ज्यादा फोकस कर दियो, अब की बार बोलना छूटे। हम सोचते हैं इसकी वीडियो बेकार बनाएंगे तो खुद बेकार कर लेता है। गाइस हमारे यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, चुकर बंद करी से दिमाग खराब कर रहा है अभी। मेरे से मत पूछो, मेरा ब्लॉग बना रही थी वो बेचारी, एक शॉट नहीं मारा तूने। हां 3 बॉल खेले, कोई बात नहीं, पहली बॉल पे तो बॉल भी टच थी बैट पे, तू भी बैटिंग में, तुम सब भी और वो मैं बॉल तो टच कर देती हूं, मैं तो भैया फिसड्डी हूं, मैं तो खेल ही ना हूं आज तक। चलो ये बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बहुत बढ़िया, बढ़िया बॉल है, तो मुझे भी दिखता है उसके हाथ में लगती है। हार्ड फिर छोड़ दे ना, चल अब की बार कोई शौक तो और क्या विकेट तो लगा, ये सही बोलती वैसे, अबे मन इसकी ढीली आ रही है ना बॉल, सही स्पिन कर रहा है मगर वो बाउंस हो रही है बॉल, बाउंस। सब बॉस टिप खा के कितनी होती जा रही, थोड़ा आगे बढ़ के खेलेगा ना तो फुल टॉस आ जाएगी, तो शॉट अच्छा, फुल टॉस मार ही नहीं रहा वो, फुल टॉस मार नहीं रहा, ये कौन है बैठना दे रहे ससुरो, शॉट है ना, ही मनी सब लंबी टांगे लेके पहुंचता हुआ, हो गया चौका हो गया, 11-4-15 भाग के एक भी लिया नहीं तब से, वो जाएगा भाई। हाँ तू चली गई, हाँ बैटिंग में तू उतरेगी अब।
आप बायोमेट्रिक में भैया टेंशन मत ले भाई जी, काहे की टेंशन 11 रन बनाए टीम ने कल, हम तो पहली बॉल पर ही आउट हो जाएंगे जब भी सामना आवे, कम से कम बोल तो ना पी हमने तो हमने कौन सी 10 बॉल पी ली ऐ थोड़े हो जावे कभी कदार, हाथ पांव ना खुले अभी गुना लाया और इसके में बना दे रन, इसके में अमल करके दिखा दे, अमल करो अपनी बातों पे, अमल करो खेल पे, थंबनेल में तेरी फोटो आएगी तूने बना दिया रन। ओ अबे तन्वी जा भाई तू जा बस तुम्हारी तुझसे ज्यादा रन तो ओ मुझे दूसरी टीम में मुझे भी भैया फोर्थ फास्ट बॉलर है और टीम में हार के तो हार के, अब जीतते हुए दिखाएंगे तो हारते हुए भी दिखाएंगे हम, बहुत बढ़िया बगी ना आराम से जाऊंगा बहुत बढ़िया, अब उधर ही मारो वही वीक पॉइंट है इनका 19 में ले आएंगे पहली बॉल में सभी बोल्ड कर दूंगा जितने ले आ रहे हैं, बहुत बढ़िया अरे वाह भाई चौका 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 होगा 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 चौका, बहुत बढ़िया 33-37 अच्छा 35-37 होता है अच्छा साले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन रुक जाएगा भाग ले रन ले आनंद भाग वो अपनी बैटिंग लेने का रुका हुआ अरे भाई तो गलत बात है यहाँ कुत्ते क्यों लड़ाई होने लगी तन्वीर रह गया, तुम दोनों तीनों तीन प्लेयर रह रहे हैं अभी तुम तो टॉप प्लेयर रह गए हमारे नहीं तो मैं तो सबसे एंड में जाऊंगा यार, वैसे मैं एंड में उतरना चाहिए था कोई बात जब भी कुछ ना होता कोई बात ना चलो बढ़िया, आग बंद करके 27 रन बना दिए हमने, 27 शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया, आनंद सही पहुंच गया ना पहुंचते ना विकेट, अरे आनंद खुश हो गया बैटिंग मिलेगी अब 29 रन हो गए ढंग से खेल ले हमें ना चाहिए तो रोहित कह रहा मुझे मत दे तो खेल ले तन्वी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या तन्वी भाई तन्वी भाई ये देखियो कुत्ते ने घर लड़ाई होने लगी ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये भूटान से हमने प्लेयर बुलाए बढ़िया भाई बढ़िया 33 ना भूटान से आया भूटान से आया सही में मनी दो दो खड़े दो उनके पांव में कर नीचे भी कही है ना मनीष तो मनीष से ऐसे अप्रूव ले रहे तो खेलता तो है हमने देख लिया भैया वो तीन ओवर में कितने रन गए होंगे इसके बहुत बढ़िया एक और चौका उसे देख बेचारा जेब में आ रहा बढ़िया भैया बढ़िया इस साइड के प्लेयर यार इन्होंने जानबूझ के करा मेरे से पूछ ले मैच खींचने को हमारी ऐसे ऐसे करेंगे अबे ओवर हो गए क्या सारे हमारी बैटिंग ना यहाँ क्रिकेट चल रही है यहाँ क्रिकेट चल रहा है हमारी कमेंट्री भी चल रही है ये सब ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बम हो गई नीचे पहले उसे उम्मीद भी नहीं कि हर्ष पकड़ लेगा या मैं खुद गया वक्के सबसे बढ़िया प्लेयर हमारे लिए दो तो छोड़ दिए 8 रन दिवा दिए प्लेयर है जो उनकी टीम में होके भी हमारे लिए खेल रहा है क्योंकि हमारी क्लास का है वो अच्छा तो सब क्या बोलती भाई भाई बहुत तगड़ी बोलती है तो आराम से मारता मैं भैया उधर मारने की कोशिश कर भैया नहीं खेलने वाला जो भी है भाई आराम से खेलो कोई टेंशन ना रन बन जाएंगे जितने बनेंगे क्रिश अब तो उसके लिए सब भाई बड़े छोटे
बड़े से लेके उससे भी छोटे लग रहे अपने से भी छोटे आप तो। अरे लड़ाई होगी थे ये एक दिन आप बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बढ़िया हो गया चौका हो गया हो गया हो गया अबे मैं हाथ डाल के भाग रहा चौका होगा अबे क्या है प्लेयर है आता है खेलना किसे सिद्धार्थ ने अच्छा वही तो है ब्लैक हुडी में यस बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 27 रन 27 रन हो चुके हैं मैच पलट गया भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया अब थोड़ी उम्मीद जगी है भाई हम जीत सकते लेकिन पता नहीं वो क्रिकेट की नहीं है अभी इनकी बैटिंग है मतलब हमारी बैटिंग है पर ये ओवर कर रहे हैं हम तो आउट हो लिए हम पे नहीं मतलब इन लोगों को अब तुम भी हो ही बैटिंग में टेंथ मतलब हमारी आई ना अभी तो हम तो होते तो बॉलर कैडा जी हाँ ये कोई बॉल है हमारे आगे देखिए कुछ बॉल ना है गले क्रिकेट अलग हो गली में फट गई हमने भूटान से प्लेयर बुलवाया था अब तुम्हारी बैटिंग रह रही टेंशन मत लो क्रिकेटर खत्म हो गए ओवर खत्म ना हुआ अरे पीछे गई ज्यादा होशियार बन रहा वाइड के भी रन चाहिए शाबाश वे बेटे गया बहुत बढ़िया भाई गोर तू कर लेगा भाई इस वक्त तो नहीं भाई जब ऐसे पैर करके अब ऐसे नहीं यहाँ से छू रहा है यहाँ चुगली पाया पूरा बॉल से पहले देख गुस्सा उतार रहा हूँ हर से बहुत बढ़िया 7-4-11 रन अभी देख पाँव खोल कर रहा ओ इसे इसे पैसे दो ये हमारी टीम खरीद इसकी टीम बिकवा दे ओ आउट होता अभी 43 बहुत बढ़िया इसे पिछले ओवर में कौन था ये लास्ट ओवर है लास्ट ओवर है तू चल येलो ही है ना उठाता बंदा यहाँ से हाँ डाल दे बहुत बढ़िया दो कार्ड बचे अभी यहाँ पे ना पहले ही चल चलो ऊनो है भाई इसमें ध्यान रखियो ऊनो है चलो भाई चलो ले लो चढ़ा लेगा पूरा काफी नंबर मिट जाए आज यही जिंदगी चलो तूने ले ली कौन सा उनो
येलो बोला थी। पत्ता दे और कुछ निकल ले। देख ले। देख लिया मैंने ग्रीन है तेरे पास। ना ना भाई दूसरा काट दे मैं। पत्ता देख लिया अब क्या दूसरा काटे से उसका भी देखा था। चलो क्या चलना येलो ऐसा नूगर बाहर को दिखा। अरे मुझे पता है कौन सा कलर है इसका। भाई बता दे। ना तो कंप्यूटर ले रहा है। दिखा दिया। मेरे पे नंबर आया ही नहीं ना। कितने सारे पत्ते हैं? बहुत सारे। चल पर एक भी काम का नहीं है। हां नहीं 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 बाय बाय सही तो है। चार बचा। नहीं 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 मुझे नहीं चलना। मैं तो पत्ता उठा पूरी गड्डी रख लूंगी अपने पास। चलो गड्डी रखवानी क्या? और रखो थोड़ी सी। नहीं मेरे को ग्रीन नहीं चलना ना। कलर चेंजेस टू ग्रीन कर दी। गद्दारी गद्दारी करवा। गद्दारी नहीं है ये। इसके पास है ही नहीं ग्रीन। टाले टाले मैं तो उठा ही रहा हूं। मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन कोई भी रेड और ब्लू पे चेंज मत करना बस। देख लिया ना? देख लिया कलर इसमें यार। रेड नहीं है वो, पहली बात तो पिंक है। रेड है। मैं भी पिंक पिंक कर रहा हूं कई दिनों से। कलर चेंज क्या हुआ है? अबे मोजड़ी का नहीं करना था रेड पे चेंज। रहे ही नहीं कुछ और तो उठा लेता पत्ता। साथ में खेल ले भाई। कोई नहीं जीतू मैं। क्या उनो चल रहा अभी? मेरे पे तीन कार्ड है देख लो तुम। इस पे ज्यादा कार्ड है चोरी पे। इस पे भी आएंगे उस पे भी आएंगे उस पे भी जो खड़ा है वो भी है। चल अब बताओ कितने ज्यादा कार्ड है। चल दो उठा ले पहले। कितने? दो उठा ले पहले। चल मेरे से पक्ष लिगाड़ेगी अभी छोरी। तुम लोग रखा गया इसमें? अरे दूर मत फेंको। अरे यही फेंको ना। ओए बैठ जा यार। बैठ जा भैया बैठ जा। पैर सीधे करके बैठ जा। इसकी जान से चलो। चल इसकी वाली है। मेरी अभी जा रही। पत्ता उठा ले। और क्या पता नहीं कहां खोया है। गेम खेलना तो नहीं है। चलो हां अरे तू चल पी लो। वीडियो बनी ला दी। ला दे वीडियो तेरी बनानी है उसकी। ब्लॉक का है नहीं ब्लॉक का। चलो भाई कौन से डालो? इसी में कौन दियो भाई। ये देखो मैं उनो यहाँ पर मेरा हो चुका है। मेरा एक पत्ता बचा है यहाँ पर। ये देखिए बताइए मत। चीटिंग होती है भाई। ये तो दिया भैया मेरे। कैसे करेगा आप तो जीत गया वो। उन्नति को बिना पता। पत्ता उठा लेता हूँ भाई मैं। उनो ये देखिए ये शिवांग भाई, ये रोहित, ये क्रिश जो हमारे ब्लॉगर हैं, ये तन्वी, ये बैठी हैं ऐसी पिंक जैकेट में कोई। और ये देखिए मुंह छुपाने वाली आंटी, मतलब सॉरी दीदी, सॉरी 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 भाई। डालो भाई जल्दी खेलो। तन्वी व्हाट इज दिस? ये शाबाश शाबाश। दे दो भैया दो पत्ते। बेहतरीन। एक नहीं एक पत्ता चेंज। चलो मेरी बारी। देख ले वो भी देख ले तू। बैठना ही पड़ेगा मुझे लगता है। ये तभी आ रही ना तू। क्या दे रहा था? दो पत्ते थोड़ी उठा लेते मुझे। यार तीन दिन मरते और कर ले जरूर। लाओ जल्दी लाओ। क्लास में तो इतने ज्यादा पत्ते ऊपर से चांस नहीं आ रही। चले ठंड अब तो नहीं है। आलिया आ रही भाई। ओ जा रही केशव रो। क्यों दिखा रहा तू? तो देख लिया है। नहीं इसको क्यों दिखा रहा है? उनो, 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 तो देख लिया है। कोई नहीं। येलो कलर की जांच बच्चा लग गई। चलो भाई बैग नर वाली आ बैठ जो गाड़ी की। मेरे पास भाई जीत गया गाइस। पत्ता से मोड़ा। देखो अल्लाह जिसके
ताकि कोई देख ना ले आसपास। और क्या फाड़ी ना तिल्ली बढ़ा लो या कि तिल्ली अभी जी अभी रह गए यार। मजा नहीं आता ऐसे जीतने में, खेलने में मजा आवे। चल भाई रोहित खेल खेल लो वो चलता नहीं भाई मेरी बारी आने लगी। पीला पीला ना है बेकार बेकार पत्ते, दो कलर के पत्ते खाली। गाइस अभी हमारा ऊनो खत्म हो चुका है, जीते हम भी। गाइस मैं जीत गया देखो दो बार फर्स्ट नहीं आया, फालतू मत बोल रहा है। एक बार मैं हारा हूँ और एक बार फर्स्ट आया हूँ। तो गाइस इवेंचुअली जो हार के जीतता है वो सिकंदर होता है, तो मैं उसी को बाजीगर कहते हैं। हाँ, तो भाई ये बातें फिल्मों में अच्छी लगे, रियल लाइफ में ना, रियल लाइफ में भी जीत गया ना मैं। इसके अलग ही दुनिया है। तो अब जाते हैं ऊपर क्लास में, हमारी मैथ की क्लास है, फिर देखते हैं कौन सा पीरियड लेंगे नहीं लेंगे। मैं खेल लेंगे एक ही पीरियड है मैथ का, इसके बाद एनएसओ है, एनएसओ में जाके करेंगे हम। एनएसओ में भी ऊनो खेलेंगे नीचे आके, या फिर टेबल टेनिस खेलोगे ऊपर? टीटी खेलेंगे आराम से। तो ठीक है अभी ऊपर जाके टीटी खेलेंगे। भाई तू व्लॉग में कम आ रहा। भाई गलत सोच है फिर। अबे नहीं बैग मरंदा है, हमें कहा अपने को क्या, अपने को तो पानी निकल। तो अभी जाते ऊपर, हमारे मैथ का पीरियड है, मैथ के बाद एनएसओ में, एनएसओ की वीडियो दिखूंगा। देखते हमारा मैच चल रहा था, मैच नहीं मतलब नॉर्मल ही खेले थे एनएसओ में। अभी देख सकते हो एनएसओ के सारे प्लेयर टेबल टेनिस खेले थे, अभी ये खेल रहे हैं, इनके बाद हम ही खेलेंगे। हमारे ध्रुव भाई खेल रहे हैं, शिवांग भाई, दोनों बड़ी प्लेयर है। एक फ्रेम में दो प्लेयर। तन्वी उधर वो स्नैप बना रही है, रोहित इधर बैठा उन्नत। गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, हमने टीटी खेला जो कि दिखा दिया वीडियो में। भाई अब नीचे जा रहे हैं हम, एमसी की सुन ना अटेंड लगाया आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं बिना किसी देरी के। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट कर देना। वी आर हियर फ्रॉम होम।